ऐसा कुचक्र रचा जा रहा है कि सनातन धर्म के जो अवान्तर घटक हमारे हैं, शैव वैष्णव शाक्त और गणपत्य, इस तरह के अवयवों को तोड़ने का लिंगायत और वीर शैव का कुचक्र रचा जा रहा है, इस पे मार्गदर्शन चाहिए। नारायण, दो बिंदुओं पर ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता है। प्रथम बिंदु यह है कि अंग्रेजों ने दुरभिसंधि पूर्वक कूटनीति का आलंबन लेकर हिंदुओं के अस्तित्व और आदर्श को विलुप्त करने की भावना से जो षड्यंत्र की संरचना की, उसे केंद्रीय और प्रांतीय शासन तंत्रों ने स्वतंत्र भारत में अभिशाप न समझकर अब तक वरदान ही समझता रहा है। चाहिए यह था कि अंग्रेजों की कूटनीति पर प्रधानमंत्री आदि पानी फिरते, हमारे अस्तित्व आदर्श के लिए उनकी कूटनीति बहुत घातक है, इसको समझने की क्षमता अब तक के शासन तंत्र में नहीं प्राप्त है। दूसरी बात यह है कि अंग्रेजों की या पाश्चात्य अन्य घटकों की अदूरदर्शिता के फलस्वरूप जो विकास को परिभाषित तो क्रियान्वित किया गया है, अंधानुकरण करने के कारण विकास के नाम पर विस्फोट के चपेट में भारत आ रहा है। ये दो बिंदु हैं भारत के अपकर्ष के, लेकिन दैव योग से अब तक के किसी प्रधानमंत्री के मस्तिष्क में इन दोनों बिंदुओं से पिंड छुड़ाने की भावना का उदय नहीं हुआ, क्योंकि उनका मस्तिष्क भी अंग्रेजों की दूषित शिक्षा पद्धति के आधार पर ही विनिर्मित हुआ है। अंग्रेजों की कूटनीति थी कि हिंदू विखंडित हो जाए और भारत भी विखंडित हो जाए, इसी संदर्भ में उन्होंने किसी के मुखारविंद से तो क्या मुख से एक गीत गवा दिया, ईश्वर अल्लाह तेरे नाम। मुसलमान इतने बुद्धिमान निकले कि अब तक इसे अपने लिए उन्होंने वरदान नहीं समझा, लेकिन इस गीत के चपेट में, भजन के चपेट में आकर भारत का तो विभाजन हो गया, बंटाधार हो गया। भारतीय संविधान की 25वीं धारा में एक अद्भुत तथ्य ग्रहण करने योग्य उद्भाषित किया गया कि जैन बौद्ध सिख लिंगायत आदि आर्य समाजी ब्रह्म कुमारी आदि सनातन वैदिक आर्य हिंदुओं के विविध घटक हिंदू ही हैं और रहेंगे, अल्पसंख्यक के रूप में, विधर्मी के रूप में, अहिंदू के रूप में मुस्लिम तंत्र को, क्रिश्चियन तंत्र आदि को भारतीय संविधान की 25वीं धारा ने ख्यापित किया। लेकिन सत्ता लोलुप दूरदर्शी मुख्यमंत्री प्रधानमंत्रियों ने जैनों को हमसे पृथक कर दिया, बौद्धों को हमसे पृथक कर दिया। मानी दलाई लामा जी का पहला वाक्य होता है कि वो हिंदू नहीं है, अर्थात वो कहते हम हिंदू नहीं हैं। अब सिख भी अपने को हिंदू प्रायः नहीं मानते, जो सिख मानते हैं वो दबी जबान से कहते हिंदू हमारे सन्निकट हैं, खुल के नहीं बोल सकते कि हिंदू हैं हम। और जगह धर्म हिंदू गुरु गोविंद सिंह जी ने कहा था खालसा पंथ है, हिंदू धर्म है, अब उनके ग्रंथों से इस पंक्ति को भी हटा दी गई है, प्रायः नए संस्करण में यह पंक्ति नहीं। तो जैन भी हिंदू नहीं रह गए, बौद्ध भी हिंदू नहीं रह गए, सिख भी हिंदू नहीं रह गए। भारतीय संविधान की 25वीं धारा में एक विशेषता थी
कि जिनको सनातन परंपरा प्राप्त वर्णाश्रम व्यवस्था से संतोष नहीं प्राप्त था, वो वर्णाश्रम की सीमा में अपने को नहीं रखना चाहते थे। उनके ऊपर आर्य समाज, ब्रह्म समाज आदि का प्रभाव था। जन्म से जो वर्ण व्यवस्था, जाति व्यवस्था जिनको नहीं मान्य थी, उनको जैन बौद्ध कक्ष में उन्होंने समझ लिया। यद्यप जैनों के यहाँ भी अंदर से वर्ण व्यवस्था है, बौद्धों के यहाँ तो यह दशा है कि उनके ग्रंथों में लिखा है कि बुद्ध का अवतार या तो ब्राह्मण कुल में होता है या क्षत्रिय कुल में होता है। अब इसी से सिद्ध हो जाता है कि ब्राह्मण क्षत्रिय तो परंपरा से होते हैं ना, बना हुआ ब्राह्मण तो ब्राह्मण नहीं कहा जाता, बना हुआ क्षत्रिय तो क्षत्रिय नहीं कहा जाता। गांधी जी का भी एक ग्रंथ है वर्णाश्रम पर, वर्ण व्यवस्था पर, उसमें भी आखिर उन्होंने इतना तो स्वीकार किया कि कर्म से अगर जाति व्यवस्था मानेंगे तो एक दिन में 25 जातियां बदल जाएंगी। कम से कम माताएं बाल गोपाल के मल मूत्र से परहेज करेंगी तो बच्चे का जीवन कहाँ जाएगा। अगर मल मित्र मूत्र से परहेज करेंगी तो, लेकिन मल मूत्र का वो धोती आती हैं उस समय उनकी जाति क्या हो गई। इसलिए अंत में गांधी जी को भी स्वीकार करना पड़ा कि स्थिर व्यवस्था तो तभी हो सकती है जब जन्म से माना जाए, लेकिन सोने में सुगंध की दृष्टि से जन्म के अनुरूप कर्म भी होना चाहिए, मनुस्मृति आदि ने भी। विशेषण और विशेष जब दोनों ब्राह्मण हो जाए तो उसको महत्व माना है। शिव पुराण के अनुसार ब्राह्मण ब्राह्मण विशेष भी ब्राह्मण, विशेषण भी ब्राह्मण, क्षत्रिय ब्राह्मण, विशेष ब्राह्मण ही रह गया, लेकिन विशेषण क्षत्रिय हो गया। वैश्य ब्राह्मण, शूद्र ब्राह्मण, लेकिन विशेष सिद्ध करता है कि अंतिम सांस तक वो ब्राह्मण रहेगा ही, लेकिन मुख्य रूप से ब्राह्मण ब्राह्मण को ब्राह्मण मानना चाहिए, ये शास्त्रों की मर्यादा थी। ऐसी स्थिति में वर्ण व्यवस्था निरपेक्ष, अब हमने कहा कि बौद्धों के यहाँ जब बुद्ध का अवतार ब्राह्मण या क्षत्रिय कुल में ही होता है तो कैसे बौद्ध कह सकते हैं कि वर्ण व्यवस्था नहीं मानते। और इतिहास भी कहता है भगवान विष्णु जब बुद्ध बने तो ब्राह्मण कुल में हुए भविष्य पुराण के अनुसार, और क्षत्रिय नेपाल के क्षत्रिय विशेष जब बुद्ध बने, बौद्ध धर्म को स्वीकार किया क्षत्रिय, उन्हीं को प्रथम, तो वो क्षत्रिय कुल के थे। तो एक ब्राह्मण कुल में एक क्षत्रिय कुल में, तो इतिहास भी यही कहता है। लेकिन अंदर से इस चीज़ को मानते हुए भी राजनीतिक लाभ उठाने के लिए सत्ता लोलुपता दूरदर्शिता के वशीभूत होकर बौद्धों ने अपने को वर्ण निरपेक्ष मान लिया, अब जैनों ने मान लिया, अब सिखों ने मान लिया। लेकिन हमारा कथन यह है कि कदाचित वर्ण व्यवस्था आपके गले नहीं उतरती, उतर तो जाएगी अगर हम लोगों के संपर्क में आवे तो। सूरज भान जी जो राज्यपाल रह चुके थे पहले उत्तर प्रदेश के भी, संभवतः हिमाचल के भी, वो हमारे पास आए थे, बहुत कुछ आक्षेप किया उन्होंने वर्ण व्यवस्था पर, लेकिन हमारा उत्तर सुनने के बाद उन्हीं का वाक्य मेरे सामने ही नहीं, भुवनेश्वर में भी जाकर उन्होंने चैनल के माध्यम से वक्तव्य दिया कि मेरी आँखें बंद थीं, पुरी के शंकराचार्य से मिलने के बाद खुल गई। और दैव योग से मेरा एक ग्रंथ है विचित्र संवाद, मेरा और उनका जो संवाद हुआ, जिस दिन वो ग्रंथ पूरा हुआ दैव योग से सूचना मिले कि उसी दिन उनका शरीर पूरा हो गया, नहीं तो ग्रंथ को देखकर भी बहुत प्रमदित होते। तो मान लीजिए कदाचित कोई भ्रम के कारण, अदूरदर्शिता के कारण वर्णम व्यवस्था को परंपरा से नहीं मानता, तो भी मेरा अनुरोध है
कि भारतीय संविधान की 25वीं धारा के अनुसार वर्ण निरपेक्ष हिंदू अपने को माने, तो हिंदुओं की संख्या तो कम से कम सुस्थिर रहे ना। वर्ण निरपेक्ष हिंदू, जैन, बौद्ध, सिख। अब सिख कैसे कह सकते कि वर्ण निरपेक्ष हैं, लेकिन आजकल की धारा के अनुसार तो दो ही रूप हो सकता है, वर्ण सापेक्ष हिंदू, वर्ण निरपेक्ष हिंदू। लेकिन हिंदू न रहना इसका मतलब है आप स्वयं अल्पसंख्यक तो बन रहे हैं, हिंदुओं को अल्पसंख्यक बनाने का विदेशी जो षड्यंत्र है उसको क्रियान्वित कर रहे हैं। ध्यान गया। अब ये जो आदिवासी शब्द है ये अंग्रेजों की कूटनीति का द्योतक है। तिलक जी आदि भी इसके चपेट में आ गए। तिलक जी आदि ने कह दिया कि आर्य यहाँ के मूल निवासी नहीं थे, वनवासी जंगली यहाँ के लोग होते थे, असभ्य है। आर्य तो बाहर से आए, तिब्बत आदि से भारत में आए। ये अंग्रेजों की कूटनीति, इस कूटनीति के चपेट में तिलक जी आदि भी आ गए। आदि में बहुतों का नाम है। अब प्रश्न उठता है कि आदिवासियों को, अच्छा छत्तीसगढ़ के आदिवासी तो आज भी शिव जी की पूजा करते हैं, झारखंड के आदिवासी कहते हैं कि हम कुछ और हैं, लेकिन प्रश्न उठता है कि हिंदुओं के लक्षण उनमें मिलते या नहीं। वो देवी देवता के यदि उपासक हैं, एक पूर्व जन्म को मानते हैं, पुनर्जन्म को मानते हैं, श्राद्ध को मानते हैं, दाह संस्कार को भी मानते हैं, और जैन बौद्ध सिखों के यहाँ आखिर प्रणव या ओंकार ही मुख्य मंत्र होता है। अब एक विचित्र बात है कि बौद्ध और जैन स्वयं को अवैदिक कहते हैं, लेकिन वेदों का बीज जो ओम है उसको माना। बट के बीज को कोई माने और बट वृक्ष को ना माने उपहास का पात्र बनेगा या नहीं। जब वेदों के बीज सर्वे वेदा यत् पद माम अनंति आदि श्रुतियों के अनुसार वेदों के बीज को आप मानते हो तो वैदिक आप कैसे नहीं। वैदिक तो हैं लेकिन अपने आप को वैदिक नहीं कहते। तो प्रणव जिनके मंत्र का मूल है, दाह संस्कार भी जिनके यहाँ परंपरा से प्राप्त है, गोत्र प्रवर्तक ऋषियों की परंपरा में किसी गोत्र के अंतर्गत अपने को जो मानते हैं, और देह के नाश से जीव का नाश नहीं होता, इस तथ्य में जिनकी आस्था है श्राद्ध तर्पण आदि में, वे सब तो हिंदू हैं। लेकिन जो हिंदुओं का वर्ग अपने को कहता हम आदिवासी हैं, उसे समझना चाहिए अंग्रेजों की दृष्टि में आपके पूर्वज असभ्य थे। आपको चिढ़ाने के लिए, भारत को विखंडित करने के लिए अंग्रेजों का दिया हुआ अभिशापपूर्ण शब्द है आदिवासी, तो आप क्या अपने पूर्वजों को असभ्य मानेंगे? आपके लिए गाली है या नहीं? इसलिए ये जो अंग्रेजों की कूटनीति का शिकार होकर कोई आदिवासी कहें कि हम आदिवासी नहीं हैं, यदि वो शरीर को ही आत्मा नहीं मानते हैं तो उनको विचार करना चाहिए कि उनके पूर्वज जिस दिव्य लोक में होंगे, इनके हिंदू न रहने पर वो इनके नाम पर इनको कोसेंगे या नहीं, रोएंगे नहीं, रोएंगे कोसेंगे। दूसरी बात यह है कि एक विशाल वट का वृक्ष है, उसकी एक एक शाखा को काट दीजिए, शाखा तो मर गई, उसको कोई जीवित कर नहीं सकता, और उन शाखाओं के बिना वट वृक्ष लुंजपुंज हो गया, लेकिन वो जीवित रहेगा, फिर शाखाएं उत्पन्न हो जाएंगी। वट की यह विशेषता है कि उसकी जो जटाएं भूमि से संलग्न हो जाती है वो फिर मूल बन जाती हैं वट शाखा न्याय से। लेकिन जो शाखा कट गई वो तो मर ही गई। तो अगर कोई घटक हिंदुओं का, जिसके पूर्वज डंके की चोर से अपने आप को सनातनी हिंदू कहते रहे हैं, आज सत्ता लुलुपता दूरदर्शिता के चपेट में आकर हमसे अलग होता है, तो हमको तो वो दुर्बल बना ही रहा है, लेकिन अपने को तो मौत के गड्ढे में डाल रहा है। उसकी अब गति क्या होगी? या तो कम्युनिस्ट बनेगा, या जैन बनेगा, या बौद्ध बनेगा, या कुछ और बनेगा। वो तो आदिवासी के रूप में सुरक्षित नहीं रहने दिया जाएगा। एक तो आदिवासी शब्द ही अंग्रेजों के द्वारा दिया गया निंदा का द्योतक है।
जिनके पूर्वज जंगली असभ्य थे उनको कहते हैं आदिवासी, तो क्या आप अपने पूर्वजों को असभ्य जंगली मानने के लिए तैयार हैं? नहीं तो अंग्रेजों की कूटनीति पर आप तरस कीजिए, उससे उसके चपरे से अपने आप को मुक्त मानिए। साथ ही साथ एक मैं संकेत करता हूँ, अन्ना हजारे जी सुन लें, लोकपाल कहते हैं, राज्यपाल जैसे होते हैं, लोकायत शब्द है या नहीं? लोकायत से लोक को हटा दीजिए तो आयत का क्या स्वरूप रह जाएगा? उसकी कोई आयत फिर क्या रह जाएगा? लोकायत से लोक को हटा दीजिए तो आयत, लिंगायत से लिंग शब्द को हटा दीजिए तो क्या रह गया? आयत, आयत माने जर देखा उससे युक्त, समझ गए ना? इसका अर्थ क्या हुआ? लिंगायत महानुभाव, मैं अनुरोध करता हूँ, व्यंग नहीं करता, दूरदर्शिता का परिचय देकर, और मैं समझता हूँ कि मेरे समान उनका हितैषी कोई होगा नहीं, मैं सबका हित चाहने वाला हूँ। तो लिंगायत जब अपने आप को हिंदुओं के खेमे से पृथक करेंगे तो उनका लिंग शब्द तो हट जाएगा, तो रह जाएंगे आयत। आयत रह जाने पर कहाँ उनको ढुलकने के लिए, विलीन होने के लिए बाध्य होना पड़ेगा, उधर उन्होंने ध्यान नहीं दिया। लिंग का कुछ अर्थ और नहीं, उपनिषदों का अनुशीलन कीजिए तो शिव स्वरूप लिंग, शिव ही लिंग, एवकार का प्रयोग, एक व्युत्पत्ति ये है विग्रह करके। दूसरा ये विपत्ति, दूसरी यह है कि शिव का अभिव्यंजक सूचक संस्थान, जैसे विष्णु लिंग हमारा दंड है, लिंग माने चिन्ह, धुएं की अखंड धारा को देखकर हम अग्नि का अनुमान करते हैं, तो धूम को क्या कहते, अग्नि को क्या कहते हैं? धूमर ध्वज, ध्वज माने अभिव्यंजक, धूमर ध्वज, तो धूम को नैयायिक क्या कहेंगे? लिंग कहेंगे, यानी सूचक, अग्नि का सूचक अनुमापक। तो लिंगायत से लिंग शब्द को हटा लेंगे, हिंदू जब तक हैं शिव को, लिंग को शिव मानकर या शिव के अभिव्यंजक मानकर छल न करके, त्रिपुंड आदि भी तय सिद्ध करता है, शिवलिंग में लिंग जो है उसको शिव स्वरूप या शिव का सूचक मानकर जब तक वो पूजन कर रहे हैं तभी तक तो लिंगायत है ना। अगर इन्होंने अपने को हिंदुओं से पृथक कर दिया तो आयत रह जाएंगे। आयत का अर्थ है कोई भी आकर को है, हमको अपने में विलीन कर दो, शर्त यह है कि हिंदू ना हो। आयत माने आइए आइए, कोई भी हमको अपने में विलीन कर जाइए, तब फिर प्रश्न उठता है वो क्रिश्चियन बन करके, मुसलमान बन करके, कम्युनिस्ट बन करके क्या भस्म भी लगा सकेंगे, रुद्राक्ष भी पहन सकेंगे? तो हिंदुओं पर कृपा करके नहीं, अपने पूर्वजों को, देवी देवताओं को प्रसन्न रखने की भावना से, अपने अस्तित्व आदर्श को उज्जीवित रखने की भावना से, बहुत सहृदयता पूर्वक, दूरदर्शिता पूर्वक मैं लिंगायतों से अनुरोध करता हूँ कि वो डंके की चोर से कहें कि हमारे पूर्वज हिंदू थे, हम हिंदू हैं, आगे हम हिंदू रहेंगे।